में हम एनजीओज की मदद ले रहे हैं, आरडब्ल्यूएस की मदद ले रहे हैं, लोकल एमएलएज, काउंसलर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जरिए हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए। वो नंबर्स की डिटेल्स हम आप लोगों को अभी दे देंगे। और एसडीएम्स को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है इन सभी हेल्प डेस्क के लिए। ये जो अफेक्टेड एरियाज हैं इसमें 6 SDMs हैं अभी और 12 SDMs को और नियुक्त किया जा रहा है। तो टोटल इस एरिया में 18 SDMs हो जाएंगे ताकि और गहन तरीके से यहाँ पे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकें। 4 नाइट मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जा रही है जो रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी तरह के रिलीफ की तो वो प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशे और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपए प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा खराब हो गई मतलब बर्बाद हो गई तो 25,000 रुपए का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपए का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए। और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटेंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। और कॉमर्शियल यूनिट दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा जो अनइंश्योर्ड है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्सटेंशियल जल गए और उनको इमीडिएट राहत की जरूरत है क्योंकि ये सब कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिन लोगों को इमीडिएट जरूरत है उन्हें 25,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी जिंदगी सुचारू रूप से चल सके। जैसे मैंने कहा कि हेल्पलाइन भी है, ऑफिसर्स के दफ्तर भी हैं, लेकिन एक ऐप भी डेवलप किया जा रहा है, एक आध दिन में वो जारी कर दिया जाएगा जिसके जरिए लोग अपने यहाँ पे इसमें अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद उनको बुला के उनके उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स भरवा लिए जाएंगे। कई लोगों के जिनके घर पूरी तरह से जल गए उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डीड्स वगैरह जल गए होंगे तो उसके लिए स्पेशल कैंप्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाएगा जगह जगह पे ताकि उनको ये कागज दोबारा बनवाने में दिक्कत ना हो। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि उस एरिया में, मैं जब कल गया था चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे, चारों तरफ जले हुए, तो उस एरिया की सफाई के लिए तुरंत कार्रवाई करें। मोहल्ले के लेवल पे हर जगह पीस कमिटीज बनाई जा रही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें जल गई जो हो सकता है उनके पास इंश्योरेंस हो, बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स जल गए जिनके पास हो सकता है इंश्योरेंस हो, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करके अगर इंश्योरेंस कंपनीज भी वहां पे कैंप लगा के और इसको जल्द से जल्द लोगों के क्लेम्स को सेटल कर सके। दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकानें और रोजगार खत्म हो गए उनको इजी टर्म्स के ऊपर सब्सिडाइज्ड लोन्स दिए जा सके। कई बच्चों की किताबें जल गई तो उस इलाके के स्कूलों में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों चाहे सरकारी स्कूल के हों, बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और जो बच्चे अभी CBSE और ICSE बोर्ड के एग्जाम देने वाले थे और इस वजह से नहीं दे पाए उनकी लिस्ट बना के
इन दोनों बोर्ड्स को भेज दी जाएगी, और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दोबारा परीक्षा का वो इंतजाम करेंगे। तो ये सारे एफर्ट्स हैं। जीटीबी हॉस्पिटल में ज्यादातर जो घायल मैं हुए, खास तौर से सरकारी हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उनको, उन्होंने बहुत शानदार काम किया, सभी डॉक्टर्स ने बहुत शानदार काम किया। मैं खुद भी गया था कई सारे हॉस्पिटल्स में, कई बार गया था, और रात दिन मेहनत की है डॉक्टर्स ने भी और सभी कर्मचारियों ने, पैरामेडिक स्टाफ ने। बहुत ज़्यादा प्रेशर था उन लोगों के ऊपर, और उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो जीटीबी अस्पताल बड़ा अस्पताल है जहां पर ये सब हो रहा है, वहां पे सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई ठीक है, है, चल रही है, ये बता रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर, बता रहे हैं चल रही है, चल रही है अभी दिन तक तो नहीं चल रही है, चल रही है सुबह अब से, ठीक हो गई है। सुबह से चल रही है, आज सुबह से चल रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बेघर हो गए हैं तो अभी रहने का कोई इंतजाम नहीं है उनके लिए, रैन बसेरों के अंदर टेम्पोररी इंतजाम कर रहे हैं। वैसे जो मुझे बताया गया है, अगर किसी को भी जरूरत है तो रैन बसेरे में कर सकता है। मुझे बताया गया कई कुछ लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के आसपास, दोस्तों के यहाँ चले गए हैं। अरविंद जी एक सवाल ये कि इस पूरे एपिसोड में आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के ऊपर भी सवालों के घेरे में है कि उनकी छत पर पेट्रोल पंप और पत्थर काफी मिले हैं, सख्त एक्शन लो, आपने क्या किया? सख्त एक्शन लो। मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते। मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके, और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूं, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो, देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। ये दुखदाई है। वो ऐसा एस्टिमेट है नहीं, अब करेंगे सारे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डू इट। मैंने कह दिया आपको सख्त से सख्त सजा दो, जो सजा बनती है उसे डबल सजा दे दो अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो। शुक्रिया। ये तुरंत हम कोशिश करेंगे।